शामिल करते हैं। हरूनाबाद से हरूनाबाद में आए दिन डकैतों की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मुकामी पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। 15 दिनों में डकैती की तीसरी वारदात। हरूनाबाद में आए दिन डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मुकामी पुलिस की कार्रवाई कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। 15 दिनों में डकैती की तीसरी वारदात। हरूनाबाद शहर की बारौनक मार्केट अस्पताल मार्केट में आज फिर डकैती की वारदात। न्यू गौरी ऑटोस के मालिक अवैस गौरी का कहना था कि तकरीबन शाम 7 बजे 3 मुसलह नकाबपोश डाकू जो मोटरसाइकिल पर सवार थे आते ही उन्होंने दुकान पर गन तान कर डकैती की वारदात बड़ी तसल्ली से की और तकरीबन 2 लाख के करीब नकदी रकम और दुकान का सामान ले उड़े। डाकू डकैती करने के बाद बड़ी दीदा दलेरी से असलहा लहराते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को इतला देने के कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। कारोबारी हलकों में आए रोज डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजर बरादरी में शदीद तशवीश की लहर पाई जा रही है। दूसरी तरफ ताजर बरादरी शदीद खौफ हरास में मुब्तला है। ताजर बरादरी शदीद सियासी समाजी कारोबारी हलकों की जानिब से वजीर आजम उस्मान बुज़दार आरपीओ भावलपुर और डीपीओ भावलनगर से बिगड़ी हुई सूरत हाल पर फिलफौर नोटिस लेने और मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाने का अवामी मुतालबा है। रिपोर्ट इमरान रशीद ब्यूरो चीफ हरूनाबाद।